नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का बड़ा बयान, इनेलो नेताओं पर बोला जमकर हमला। बोले इनेलो नेता 7 अक्टूबर की रैली से पहले करवा ले शुद्धि यज्ञ। उन्होंने कहा कि पहले चौधरी देवीलाल के नारे लोक लाश के नारे पर चले इनेलो नेता। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी ऐतिहासिक। बोले सर सोटूराम थे सही मायने में जन नेता। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाना सरकार की किसान हितैषी सोच का परिचायक। बोले भाजपा सरकार ने किसानों की 50 से 95% फसलों का लाभांश देने का किया है काम। बेमौसमी बरसात से हुए नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर पद यात्रा का उद्देश्य जन जन तक संदेश पहुँचाना है। मुझे लगता है कि जो किसान वर्ग के लिए हमारी सरकार ने कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में, 200 रुपये धान के रेट बढ़ाए और कल ही 105 रुपये गेहूँ के रेट बढ़ाए हैं, 220 रुपये चने का रेट बढ़ाया है, 550 रुपये बाजरे का रेट बढ़ाया था और 1150 रुपये नरमा कपास का रेट बढ़ाया था। तो जो हम बात करते थे विपक्ष में रहते हुए कि किसान को लागत के आधार पर 50% लाभांश मिलना चाहिए, यहाँ तो 50% से लेकर के और 95-97% तक लाभांश किसान को लाभकारी मूल्य के रूप में देने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो मैं समझता हूँ जितना काम किसान के लिए सरकार ने कर दिया, दूसरी सरकार इतना काम करने की बात तो दूर, इतना सोच भी नहीं सकते। सरकार ने फसल बीमा योजना किसान के लिए लागू की है और हमारा ये प्रयास रहता है कि किसान को उसकी फसल का जो बीमा है उसका नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के माध्यम से हो। लेकिन जिस किसान का बीमा नहीं है फसल का, उसकी सरकार ने स्पेशल गिरदावरी, क्योंकि अभी गिरदावरी चल ही रही है, उसी के अंदर गिरदावरी करवा करके और किसान की जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से किसानों को निश्चिंत भी करना चाहता हूँ कि किसान की जो नुकसान की भरपाई है पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार भी करेगी और बीमा कंपनियों की जो जिम्मेवारी है बीमा कंपनियों के माध्यम से वो भी करवाएगी।